बाद के 14 महीने के सोमनाथ शाह ने मरने के बाद भी दो जिंदगियां बचाई और उसके माँ बाप ने सबसे छोटी उम्र के बच्चे के अंग डोनेट कर एक मिसाल पेश की। 4 सितंबर को खेलते समय सोमनाथ को चोट लगने के दौरान डॉक्टर्स ने उसे डेड ब्रेन घोषित कर दिया, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसका हार्ट, किडनी और लिवर डोनेट करने का फैसला किया। सोमनाथ का हार्ट 3 साल की आराध्या में ट्रांसप्लांट कर उसकी जान बचाई गई। इसके साथ ही सोमनाथ की किडनी 15 साल के एक बच्चे को डोनेट की गई। बच्चे की किडनी 5 साल की उम्र में खराब हो गई थी। सोमनाथ के पिता सुनील शाह ने बताया कि वो आराध्या से मिलने जल्द ही मुंबई भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमको 14 महीने पहले भगवान ने एक बेटा दिया था, कभी नहीं सोचा था कि वह हमको छोड़कर इतनी जल्दी चला जाएगा, लेकिन अब वह हमेशा आराध्या के अंदर जिंदा रहेगा। सोमनाथ का परिवार कुछ महीने पहले ही बिहार से सूरत रहने पहुंचा था। कैमरा पर्सन सागर के साथ इकरा साजिद की रिपोर्ट, दैनिक टुडे।